वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे साथ कौन सी शक्ति जुड़ी हुई है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन पावर्स, ये जो बातें हैं क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या आज के जीवन में इनके भी कुछ मायने हैं। तो सबसे पहले ये जानें कि स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं और क्यों कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने पास्ट लाइफ में अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया है, आपने अपने गुरु की बहुत सेवा की है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, या आपने अपने माता पिता की बहुत सेवा की है, या कोई जानवर है उससे आपका काफ़ी प्रेम रहा है, कोई पक्षी से रहा है, तो जो भी आपने अपने पूर्वाद में किया है वो ब्लेसिंग आपको इस जन्म में उनके थ्रू रिसीव होती हैं। अब क्योंकि हम इस जीवन में हैं तो हम अपना पास्ट को खो चुके हैं, भूल चुके हैं, लेकिन जो भी हमने कर्म किया है वो एनर्जी के फॉर्म में हमारे साथ है। और क्योंकि हमारी एनर्जी ने हमारे हर एक जीवन को देखा है, हमारे हर एक कर्म को देखा है, हमारे हर एक पुण्य को देखा है, हमारे हर एक पाप को देखा है, हमारे हर एक जुड़ाव को देखा है, तो जो भी हमने अपने प्रारब्ध में अच्छा किया है या कोई स्ट्रॉन्ग कर्मा किया है तो वो इस जन्म में किसी ना किसी रूप में हमारे साथ जुड़ जाता है। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपने अपने पास्ट में अपनी गुरु की बड़ी सेवा की है, आप उनसे काफ़ी अटैच थे, आपने उनसे काफ़ी सीखा, तो इस जन्म में आपके वही गुरु किसी ना किसी रूप में आपके साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि आप उनको इस जन्म में पहचान नहीं रहे हैं तो वो आपको अलग अलग सिंबॉलिक लैंग्वेज से या साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपके साथ कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपको लगातार एक ही टाइप का सपना आ रहा है जिसमें आपको एक ही टाइप की चीज़ें बार बार लगातार दिखाई दे रही है, अगर आपको कोई एक पशु लगातार दिखाई दे रहा है, अगर आपको कोई पक्षी लगातार दिखाई दे रहा है, अगर आपको नेचर लगातार दिखाई दे रहा है, अगर आपको कोई मंदिर लगातार दिखाई दे रहा है, अगर आपको कोई देवी देवता लगातार दिखाई दे रहे हैं, या कुछ भी ऐसा थ्रू साइन लैंग्वेज या थ्रू साउंड वाइब्रेशन आप कुछ फील कर पा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके साथ घटित हो रही हैं वो आपके स्पिरिट गाइड्स या स्पिरिट एंजल्स आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। आपको जो भी साइन लैंग्वेज मिल रही है उस साइन लैंग्वेज को अब आपको डिकोड करना है, और इसमें आपकी जो हेल्प है वो वही करते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों को इंट्यूशन महसूस होता है, काफ़ी लोगों को कुछ फीलिंग महसूस होती है, काफ़ी लोगों को कुछ वाइब्रेशन महसूस होती है, काफ़ी लोगों को कुछ फ्रीक्वेंसी महसूस होती है। ये सारी की सारी चीज़ें इस तरफ संकेत करती हैं कि कोई ना कोई एक एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है जो आपको गाइड कर रही है। अब ये एनर्जी कौन हो सकती है उसके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ये आपके कोई पूर्वज हो सकते हैं, पितर जिनको हम बोलते हैं, जो आपके साथ जुड़े हैं। ये आपके कोई गुरु हो सकते हैं पास्ट लाइफ के, जिनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा या जाना है। ये कोई देवी देवता हो सकते हैं जिनकी आपने अपने पास्ट लाइफ में काफ़ी आराधना की है। ये कोई पशु हो सकता है जिससे आपका बहुत जुड़ाव था, कोई पक्षी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या इवन प्रकृति हो सकती है अगर आपने प्रकृति में अपने आप को पिछले जन्म में काफ़ी कुछ समर्पण किया प्रकृति के प्रति, तो इवन मदर नेचर कैन बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो जो भी आपको साइन लैंग्वेज मिल रही है, जो भी आप सिंबॉलिक देख रहे हैं या कोई साउंड आप सुन रहे हैं या कोई ऐसी फीलिंग जो आपको कनेक्ट कर रही है, उसी फीलिंग को पकड़ें, क्योंकि दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप
टू कनेक्ट टू द एनर्जी विच इज गाइडिंग यू। ज्यादा से ज्यादा समय थोड़ा सा मेडिटेशन में बिताएं और इन साइन लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें, प्रकृति को, मदर नेचर को पुकारें और उनसे कहें कि जो भी एनर्जी मेरे साथ हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक रूप में उनसे जुड़ सकूँ, उनको जान सकूँ। तो जो भी साइन लैंग्वेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो भी सिंबल आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या कोई भी स्वप्न आपको रिपीटली बार बार आ रहा है, तो उसको ठीक से एनालाइज कीजिए और उसी को अपना फर्स्ट स्टेप बनाइए ताकि आप उसके अंत तक पहुंच सकें और आपके जो स्पिरिट गाइड हैं और आपके जो स्पिरिट एंजल हैं उनसे आप मिल सकें।